नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान, न्यूज लाइव राजस्थान से। साल 2023 का पहला ड्राई डे गुरुवार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को होगा। इस दिन शराब दुकान और बार में शराब नहीं परोसी जाएगी। इसके चलते बुधवार रात 8 बजे बाद शराब दुकानों पर आबकारी विभाग की सील लगा दी जाएगी, जिससे कोई चोरी छिपे भी शराब की बिक्री नहीं कर सके। वहीं इस बार शराब दुकानों पर पुलिस की भी सख्त पहरा रहेगा। इसके साथ ही अवैध मंदिरा बिक्री वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी मिश्रा ने रात 8 बजे बाद शराब बिक्री पर सख्ती से रोक लगा दी रखी है, लेकिन कमिश्नरेट में 24 घंटे अवैध शराब बनाने की 2 फैक्ट्री संचालित हो रही थी। डीजीपी मिश्रा ने इसे गंभीरता लिया और दोनों थाना अधिकारियों को निलंबित किया। साथ ही अन्य थाना अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। दुकानों के बाहर लगा बोर्ड। वही शराब दुकानदारों ने दुकान के बाहर बुधवार सुबह से ही बोर्ड लगा दिए हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कल दुकान बंद रहेगी। इसके चलते दुकानों पर आम दिनों से अधिक भीड़ दिखी जा रही है।